स्वयंसेवी संस्था विकल्प द्वारा वार्ड नंबर 4 स्थित विद्या नगर मोहल्ले से एक संकल्प के साथ कोरोना आपदा से लड़ने के क्रम में लॉकडाउन के शेष अवधि को सफल बनाने हेतु लोगों के बीच जागरूकता फैलाते हुए स्वच्छता संबंधी आवश्यक सामग्री का वितरण प्रारंभ किया गया। इस दौरान संस्था के सचिव मनोज कुमार यादव ने बताया कि कोरोना वायरस आज वैश्विक महामारी बन चुकी है, जिससे लड़ने के लिए देश के तमाम समाजसेवी, बुद्धिजीवी तथा इमरजेंसी सेवा में लगे हुए कोरोना वॉरियर्स आपदा अहम योगदान दे रहे हैं। लॉकडाउन महामारी से लड़ने का एहतियातन कार्य योजना है। जैसे करिएगा उंगली में फंसा के इधर से और फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर ऐसे इस तरह से, इस तरह से चारों बगल करके उसके बाद पानी से हाथ धो, ठीक है। अभी इतना जो हम लोग कर रहे हैं, यह ज़रूरत इसलिए है कि लोग सब सुरक्षित रहे, इसलिए हम लोग को घर से बाहर निकलना पड़ा आप लोगों के लिए, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कि विकल्प ने आज क्या कार्यक्रम किया है और कहाँ हुआ है? विकल्प के द्वारा जो है आज विद्यानगर तेजा टोला वार्ड नंबर 4 के कुछ एरिया में लगभग सभी घरों में सैनिटाइजर, सोप और मास्क का वितरण किया गया है और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी किया गया है कि किस तरह लोगों को सुरक्षित रहना है, हाथों की साफ़ सफाई करनी है, घरों की साफ़ सफाई करके रखनी है। और लगभग हम लोगों को लगता है कि घुमा गया है। विकल्प क्या है? विकल्प एक सामाजिक संस्था है जिसके अंतर्गत हम लोग जो हैं गरीब तबके के लोग या स्लम एरिया में जाकर उन लोगों को देखते हैं कि क्या चीज़ की कमी है, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। जैसे कि अभी कोरोना का समय चल रहा है तो हम लोग स्लम एरिया जाकर सैनिटाइज, साबुन और मास्क का वितरण करते हैं और लोगों को ये समझाते हैं कि आप सैनिटाइज का इस्तेमाल कीजिए, साबुन का इस्तेमाल कीजिए, घर में रहिए, मास्क लगाइए। जी, आप स्वयं एक शिक्षक है तो अपने छात्र छात्राओं को और जिले वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं अपने छात्र छात्राओं और जिले वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि लोग अपने घर में रहें, आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा वो घर में रहें और घर में रहते हुए पर भी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते रहें। जी, अपना परिचय दें। मैं मुकेश कुमार, मेंबर विकल्प।